महान सुरेश झा जी, क्या आप डॉक्टर संबित पात्रा के जवाब से संतुष्ट हैं? वो कह रहे हैं कि जो हम कर सकते थे हमने किया है, अब मंदिर मंदिर हर कोई कह रहा है, क्या इसी बात से आप खुश हैं, मंदिर बने न बने? महान सुरेश झा जी, आवाज आ रही है सर? महन जी को लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। साध्वी खोसला जी, जल्दी से एक रिएक्शन संबित जी की बात पर, उसके बाद मैं आ रही हूं सर। डॉक्टर पात्रा की बात पर आपका जवाब। साध्वी खोसला जी, सबको मजबूर कर दिया बीजेपी ने मंदिर मंदिर करने के लिए। अंजना जी, पहले तो जो आपकी आपकी डिबेट में एक महानुभाव बैठे हैं, जो राम भक्ति का झूठा चोला पहन के दूसरों का गोत्र पूछते हैं, मैं उनको जरा ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान राम ने कब जनेऊ पहन लेते शबरी के झूठे भेर खाने के टाइम पे गोत्र पूछा? वैटिकन गोत्र के होके झूठे जनेऊ पहन लेते हैं, इसका तो जवाब दीजिए। राम डज नॉट एग्जिस्ट कह के आप जनेऊ पहन लेते हैं? हिंदुओं से ज्यादा खतरा है नहीं है यह कह के आप राम भक्त बन जाते हैं? ये कैसे हो जाते? हो गया है ना, इनको राम से प्यार है ना इनकी राम में आस्था है। कोर्ट ने सुनवाई डाली, इसे बीजेपी का क्या पर्दाफाश है? राजनीति करनी है। 27 सालों से देश को, हिंदुओं को भटका रहे हैं, हिंदुओं को उल्लू बना रहे हैं, हमारी भावनाओं आप ठीक से घेर नहीं पा रही हैं। ये सिर्फ ये बोलते हैं, ठीक से नहीं घेर पा रही है, तारीफ कभी नहीं बताएंगे। साध्वी जी, हिंदुओं को कोई उल्लू नहीं बना सकता। तो बीजेपी ने क्या किया? ठीक से घेरिए ना, इनको पूछिए ना कि अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों नहीं लाए, इनके कहाँ से घेरेंगे हमें बताइए। तो ने रोम कभी राम को घेर सकते हैं? ये कहाँ से हमें घेर लेंगी? आप भी अंजना जी बताइए, ये तो थोड़े दिन पहले कह रहे थे राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम मृथक है, राम काल्पनिक है, अभी हमें घेरेंगे? संगीत रागी जी, हमें अब ठीक है, संगीत रागी जी, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का सामान। श्री राम देख लीजिए, सुन लीजिए, पहले दो तीन बातें। आज इस देश का हिंदू अपने आप को छला हुआ महसूस करता है, दगा दिया हुआ महसूस करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी मॉरलिटी होती है, जनतंत्र के मानदंडों पर उसे भी उतरना होता आपके है। धूर विरोधी बगल में बैठ के हां कर रहे हैं, प्लीज नहीं सुन लीजिए। एक आतंकवादी के लिए एक रात में कोर्ट खुलता है, एक टेररिस्ट के लिए यह रात में कोर्ट खुलता है, एक माओइस्ट के लिए यह देश का कोर्ट खुलता है और निर्णय करने के लिए आता है। लेकिन राम मंदिर का प्रश्न जो है वो 1.5 मिनट के अंदर उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद दिन है। और ध्यान रख लीजिए, संविधान की संस्थाएं इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस की भी अपनी कोई सीमा होती है। जब देश का लोकतंत्र सड़कों पर आएगा तो सारी गरिमा खत्म हो जाएंगी। आज आप जाकर के आप लोगों से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के आज लोगों की राय में सुप्रीम कोर्ट का क्या रह गया है, इज्जत रह गया है? मैं बहुत गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूँ। क्या यही हुआ है कि जो 2019 तक निर्णय नहीं है, क्या उसी चीजों पर चल पड़ा है सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, आपकी बात पर जवाब। तस्लीम अहमद रहमानी, देश की जनता कर रही है। तस्लीम अहमद रहमानी जी, ये सीधे सीधे कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं रहमानी साहब। जी जी, आपका कोई सवाल है जी? देखिए, बड़ी हैरत की बात है, बहुत ही ज्यादा हैरत की बात है कि मैंने आजाद हिंदुस्तान की तारीख में आज का दिन काले दिन की हैसियत से लिखा जाएगा कि इन हजरात ने जितनी सख्त जबान, एक महीने से कोर्ट को धमकियां दे रहे थे, डरा रहे थे कि तारीख बता रहे थे कोर्ट को कि 31 दिसंबर से पहले पहले फैसला ले आओ, वरना विच एवर वे, मतलब छोटे मोटे लोग नहीं, मोहन भागवत जी जैसे बड़े आदमी जो आ रहे थे, बड़ी रहमानी कोई नहीं धमका रहा था सरसंघचालक में, वो ये कह रहे हैं विच एवर वे, बहुत बड़ा सवाल है खराब आपकी मुस्लिम मानसिकता है, इफेक्टेड मुस्लिम मानसिकता है। मगर आज ये कहा जगह कानून अपना काम अपने तरीके से करता है और दबाव लोगों को बताया कि आपकी धमकियों का कोई नहीं होगा, कोर्ट अपनी प्रक्रिया करता है। सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये जो आरएसएस के लोग कह रहे हैं
कि हिंदुओं के सब्र का पैमाना भर गया है। बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब्र का पैमाना नष्ट हो गया? गाड़ी लगती 6 महीने पहले मामला नहीं है। आप दोनों ने अपनी बात कह लिया, मुझे एक बात और, हिंदू और बर्दाश्त नहीं कर सकता, हिंदुओं के सब्र का पैमाना नष्ट हो गया। कांग्रेस पार्टी जीतने लगी, आप बिल्कुल बिल्कुल मान सुरेश दास दे रहे हैं आपके पास, आज भी आप कह रहे हैं कि हम एक सेकंड मान सुरेश दास जी गए हमारे साथ, ठीक है यही से चर्चा के लिए चलेंगे। रहमानी साहब मान सुरेश दास जी, मान सुरेश दास जी सबकी बात अगर आपने सुनी हो, आपकी मैं प्रतिक्रिया चाह रही थी कोर्ट की जिस तरह से सुनवाई टाल दी 2 मिनट के अंदर उस पर रहमानी साहब, ठीक है मान जी आपकी आवाज पिछली बार कट गई थी, मान सुरेश दास जी बोले। ये रिएक्शन है 1 महीने तक तो इन लोगों ने जी बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल आपसे था सर कि कोर्ट ने जो सुनवाई आज टाल दी 2 मिनट के अंदर, और अभी तो सुनवाई कैसे होनी है, इस पर फिर से सुनवाई जनवरी में होगी, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमारी प्रतिक्रिया कि आज सुनवाई होना चाहिए था हाँ। और बिना कारण से टाल दिया गया है, कोई कारण नहीं बताया गया है, कारण बता करके टाला जाए तो ठीक है, लेकिन अकारण बिना कारण बता करके और 2 महीने का आगे डेट बढ़ा दिया गया, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि का सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे देना चाहिए। और अगर कोर्ट से देरी हो रही है तो डॉक्टर संबित पात्रा बैठे हुए हैं जो हर बार मैनिफेस्टो में लास्ट में लिखते हैं श्री राम मंदिर हम ही बनाएंगे, वो भी बैठे हैं, कुछ आप उनसे बोलना चाहेंगे? सरकार से कोई उम्मीद है इस बार भी लिखेंगे? नहीं नहीं ठीक है राम हाँ बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, हाँ तो बोलिए आपको सुन रहे हैं वो। मुझे एक सवाल आचार्य जी से भी करना है, अगर कोर्ट में देरी है, कोर्ट जल्दी फैसला नहीं चाहती है हाँ। तो सुप्रीम तो लोकसभा में प्रस्ताव ला करके कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, जैसे सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ, जल्द से जल्द फैसला करें और नहीं तो कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण करें। राम जन्मभूमि का इंतजार करते करते बहुत दिन हो गया, इसलिए जल्द से जल्द राम जन्मभूमि का मंदिर का सवाल नहीं है, राम जन्मभूमि का सवाल है, अयोध्या में मंदिर तो 5,000 है लेकिन जन्मभूमि का सवाल है ना, हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाना चाहते हैं, इसलिए जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो।